Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेलकम फ्रेंड्स सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज के लेक्चर में हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे लूप कहाँ पे काम आते हैं जैसे आपको लूप का जो शाब्दिक मतलब है आप उससे आप उसका अर्थ समझ सकते हो लूप मतलब एक गोला मतलब कि अगर आपने कोई काम किया है उसी काम को अगर आपको बहुत बार रिपीट करना है तो हम वहाँ पर लूप का कर इस्तेमाल करते हैं ओके ऐसे कि हमने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अगर आपको किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स की मार्कशीट तैयार करनी है तो उसके अपने उनके कुछ नियम होंगे कि अगर इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं तो उसको फर्स्ट डिवीजन दी जाएगी इतने आए हैं तो सेकंड डिवीज़न दी जाएगी एंड सो ऑन। लेकिन वही जो आपके नियम हैं वो आपके एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आपको बार बार उनको लगाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन तो ये है कि हम एक एक स्टूडेंट्स का प्रोग्राम एक एक बार लिखें और एक एक बार हम उसकी मार्कशीट तैयार करते रहें दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको एक लूप में डाल दें तो वही जो हमारे कमांड्स हैं वो उस नंबरों के ऊपर अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबरों के ऊपर बार बार वो रिपीट होते रहेंगे और हर एक स्टूडेंट का हमारा मार्कशीट अलग अलग उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग बनता रहेगा तो लूप में बेसिकली हमको कोई सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को अगर बार बार रिपीट करना होता है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं तो च, चलिए आज हम आर में हम लूप को कैसे एग्जीक्यूट uh, करते हैं इसके बारे में बात करेंगे और जो ये लूप हैं ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनका एक स्ट्रक्चर होता है कंटेक्ट होता है कमांड्स होते हैं उसी और उसी के अनुसार आप उसको इस्तेमाल करते जाते हो तो अगर आप में से कुछ लोगों को लूप के बारे में पहले से पता है और आपने अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख करके रखा है तो मैं आपको इतना कहूँगा कि इसका जो आर में भी लूप का कॉन्सेप्ट वही है जो बाकी लैंग्वेजेस में होता है बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इसको लिखने का कुछ एक सिंटैक्स अलग होता है जो उसका रूल होता है वो कुछ अलग होता है तो बेसिकली हमको यहाँ पर हम जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के लूप हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम इस लेक्चर में आज बात करते हैं तो चलिए आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेक्चर की स्लाइड्स अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे होम पेज पर चले जाइए और जिसका पता है होम डॉट आई आई टी के डॉट ए सी डॉट आई एन बैक स्लैश शलब एस एच एल ए बी और उसके बाद बैक स्लैश एस पी एस पी का मतलब है स्वयं प्रभा तो आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको इस कोर्स की में हमने जो भी लेक्चर्स में सारी स्लाइड्स इस्तेमाल करी हैं वो आपको पी फॉर्मेट में उपलब्ध होंगी आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसके साथ ही अगर आपको वहाँ से दिक्कत होती है तो आप इस क्यू कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो अपने फोन में अवेलेबल किसी फ्री ऐप की सहायता से और ये भी आपको डायरेक्टली हमारे होम पेज पर ले आएगा जहाँ पर आपकी सारी फाइल्स अपलोडेड हैं और अगर इसमें भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन में चले जाइए वहाँ पर हमारा नाम टाइप कर दीजिए और साथ में हमारा जो संस्थान है आई कानपुर उसका नाम टाइप कर दीजिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पर आने के बाद में आप स्वयं प्रभा के लिंक पे जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इस कोर्स की फाइल्स मिल जाएंगी ओके तो अब हम लूप्स के बारे में अपना लेक्चर शुरू करते हैं तो लूप्स क्या होते हैं लूप्स हमारे क्या हैं ये रिपीटेटिव कमांड्स हैं लूप का काम क्या है कोई हमारे कमांड्स हैं एक से ज़्यादा कमांड भी हो सकते हैं उनको ये बार बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और इन जनरल ज़्यादातर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हमारे पास तीन तरह के लूप होते हैं एक होता है फॉर लूप एक वाह लूप और एक रिपीट लूप और ये तीनों लूप अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं किन कंडीशन में कौन सा लूप इस्तेमाल करना है इसका फैसला जो भी प्रोग्रामर है वो जिस कार्य को करना चाहता है उसके अनुरूप किया जाता है तो हमारा काम यहाँ पे क्या है हम आपको यहाँ पे तीनों लूप्स के बारे में एक एक करके बताएंगे और उनके एक कुछ उदाहरण लेंगे और उसके थ्रू हम आपको उनका इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे और साथ में हम उदाहरणों को फिर से आर कंसोल पर भी करने की कोशिश करेंगे ओके okay, सो so, सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमको ये पहले से मालूम है कि हमको अपने कमांड्स को कितनी बार रिपीट करना है अर्थात नंबर ऑफ रिपीटिशन इज़ नोन टू अस जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं 500 कैंडिडेट्स हैं 500 स्टूडेंट्स हैं और हमको उन 500 स्टूडेंट की मार्कशीट तैयार करनी है और उनके हमारे पास नंबर दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने लूप को 500 बार रिपीट करना है हमको उन्हीं जो हमारे कमांड्स हैं उनको हमको 500 बार एग्जीक्यूट करना है और उन्हीं कमांड्स को हमको यूज़ करना है बस हमारा जो जो इनपुट डेटा है जो हमारा स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो खाली बदलते जाएंगे ओके अब इसमें से देखिए इसका हमारा प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे जो भी लूप को स्टार्ट करने के लिए हमको उसको इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा कि लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा एक हमको कंट्रोलिंग वेरिएबल हमको एक यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा ये कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा ये हमारे जो नंबर ऑफ रिपीटिशनस हैं ये उनको कंट्रोल करेगा जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास पाँच सौ स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं लिखे हुए हैं एस वन एस टू मतलब स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू अप टू स्टूडेंट फाइव हंड्रेड तो आपको जो मार्कशीट बनानी है वो एक से पाँच सौ तक के स्टूडेंट की बनानी है या आपको यहाँ कहीं पे जहाँ पे एस टू फिफ्टी भी होगा आपको अगर मान लीजिए ढाई सौ से लेकर के पाँच सौ बच्चों तक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट बनानी है तो ये कंट्रोल वेरिएबल आपकी सहायता करेगा और कंट्रोल वेरिएबल के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि हमको एक से पाँच सौ तक इसको रिपीट करना है या मुझको ढाई सौ से पाँच सौ तक हमको इसको रिपीट करना है तो सबसे पहले हम इस लूप का जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसको हम डिफाइन करेंगे और उसको इनिशलाइज करेंगे इनिशलाइज का मतलब क्या होता है लूप हमारा कहां से स्टार्ट होगा राइट right. जो हमारा लूप है कहां से से आरंभ होगा ये हमारा काम होता है कंट्रोल वेरिएबल का अगर आप नहीं बताएंगे प्रोग्राम को तो उसको कैसे पता चलेगा अब उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट होता है और जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं वो उनको पढ़ने की कोशिश करता है अब कोई भी कंडीशन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो हमारी कंडीशन वो सही होंगी या गलत होंगी तो ऑब्वियसली अगर हमारी कंडीशन अगर गलत हैं तो हमको क्या चाहिए कि हमारा लूप वहीं पे रुक जाए और हमारा प्रोग्राम वहीं पे समाप्त हो जाए तो अगर हमारी कंडीशन अगर उसमें से आता है कि गलत है फॉल्स है तो ये हमारा लूप अपने आप से आकर के स्टॉप हो जाएगा खत्म हो जाएगा लेकिन अगर हमारी कंडीशन सही है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा वो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन हैं उनको वो फॉलो करेगा ओके और उसके बाद ये फिर इसी प्रोसेस को जब एक बार रिपीट करने के बाद में ये फिर से अगले बार उसको रिपीट करने के लिए आ जाएगा उसके लिए हमको अपना जो भी कंट्रोल वेरिएबल है उसका हमको काउंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए अगर हम कहें कि पांच स्टूडेंट्स हैं और पांच स्टूडेंट्स की हमको मार्कशीट तैयार करनी है तो हमने मार्कशीट को तैयार करने के हमने उसके नियम लिख दिए कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स सपोज पचहत्तर परसेंट के ऊपर हैं तो उसको हम क्या देंगे कैटेगरी डी डी मतलब डिस्टिंगशन और अगर साठ से पचहत्तर के बीच में है तो हम कह देंगे फर्स्ट डिवीज़न और अगर हमारे पैंतालीस से साठ परसेंट के बीच में तो हम कह देंगे सेकेंड डिवीज़न एंड सो ऑन तो हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा हमारा लूप स्टार्ट करेगा और सबसे पहले हमारा लूप पहले कैंडिडेट पर आएगा अब यहाँ पर कंडीशन होती है कि क्या हमारा स्टूडेंट नंबर वन इम्तहान में अपियर हुआ था अगर आता है नहीं तो तो वो प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा उसे कुछ करना ही नहीं है जब वो स्टूडेंट इम्तहान में नहीं बैठा है तो लेकिन अगर वो इम्तहान में बैठा है और अगर उसके वहाँ पर नंबर दिए गए हैं तो वो आगे आएगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि कंडीशन हमारी ट्रू है और ये आगे आ आग करके जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से उसकी मार्कशीट तैयार करेगा और मार्कशीट तैयार करके ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और फिर ये अगले स्टूडेंट पर आ जाएगा और फिर से यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है और अगर ट्रू होगी तो अगले स्टूडेंट की जो मार्कशीट है उसको तैयार कर देगा और यही प्रोसेस हमारी पाँच तक चलती रहेगी और पाँच के बाद जब वो देखेगा कि पाँच के बाद में कोई स्टूडेंट नहीं बचा है तो वो जब हमारी इनिशियल कंडीशन पर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब कोई स्टूडेंट नहीं है और वो वहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल हमारा बाहर आ जाएगा ओके okay, ये छोटी सी बात है हम इसको पहले आपको इसका कंटेक्स बताएंगे और इसको एक उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे ओके okay, सो so, इस फॉर लूप को इस्तेमाल करने का आर में हमारा कमांड होता है फॉर और पैरेंथीसिस में हम उसके जो भी बाकी कमांड्स होते हैं हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो कैसे करते हैं इसको समझते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर एफ ओ आर और ये एफ ओ आर इस्मालस में लिखा जाएगा कैपिटल में नहीं फिर हम पैरन्थिस में जो भी हमारा नाम है जो भी हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसके बारे में बात करेंगे और इसको भी लिखने का एक हमारा तरीका होता है इसके बारे में हम आपको आपको उदाहरण के थ्रू बताएंगे और उसके बाद हम एक कली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी जो भी कमांड्स हैं जो भी हमारी कंडीशंस हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको हम एक लॉजिकल वे में लिख देंगे ओके okay. अब उसके बाद में जब हम इस तरीके से फॉर लूप को हम लिख देंगे तो उसके बाद में हमारा फॉर लूप इन सेट ऑफ कमांड्स को रिपीट करने के लिए तैयार हो जाएगा चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के थ्रू आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं हमारा ये सवाल ये है कि हमारे पास कुछ इनपुट आता है इनपुट हमारा आता है नंबरों का से वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स और मुझको क्या करना है कि मुझको ये हमारे जो भी इनपुट के नंबर आ रहे हैं उनका मुझे आउटपुट लेना है और आउटपुट में क्या करना है हमको हर एक नंबर को स्क्वायर करना है तो जो हमारा अगर हमारा इनपुट आएगा वन तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा हमको वन स्क्वायर इनपुट आएगा टू तो हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा टू स्क्वायर और इसी तरीके से हमको जब इनपुट मिलेगा छः तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा सिक्स स्क्वायर ओके यहाँ पर आगे जाने के पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और आप ये भी कह सकते हो कि हम अपने डेटा वेक्टर को को हम मान लीजिए कि एक्स को हम सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में स्टोर करके हम इसका क्यों नहीं हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं लेकिन मेरा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको लूप का कार्य करने का तरीका बताना चाहते हैं और उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण लिया हुआ है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए अदरवाइज हम जब भी लूप का इस्तेमाल करेंगे आप उसमें से देखेंगे रियल लाइफ में उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं और उनको एज सच एक स्टेप में सॉल्व करना बहुत कठिन होता है और यहाँ पर हमारे पास एक ही कमांड नहीं होता है बहुत सारे कमांड होते हैं उनको हमको एक साथ प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करना होता है ओके चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे लूप की सहायता से तो सबसे पहले मैंने देखे लिख दिया फॉर ओके अब फॉर्म के अंदर मैंने ये देखिए एक लिख दिया कंट्रोलिंग वेरिएबल ये जो आपका आई है ना ये आपका कंट्रोलिंग वेरिएबल है कंट्रोलिंग वेरिएबल का मतलब है ये हमारा काउंटर को कंट्रोल करेगा मतलब कि हमको किन किन वैल्यूज़ पर काम करना है अब यहाँ वाले केस में तो देखिए बहुत ही आसान था हमको एक से छः तक के नंबर खाली लिखने हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया वन कोलन सिक्स और इसके बीच में देखिए मैंने लिख दिया आई एन तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया जो भी हम अपना कंट्रोल वेरिएबल है उसको लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे आई एन और उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को लिख देंगे जिनके ऊपर हम अपने आ, सेट ऑफ़ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ओके okay. ये जो हमारी वैल्यूज़ लिखी है ना कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है वन टू सिक्स ये आपका कुछ भी हो सकता है या आपका सी वन फाइव सेवन करके भी हो सकता है या आप जिस फॉर्मेट में आप उसको देना चाहें आप दे सकते हैं कंडीशन खाली इतनी है कि ये कि ये वो एक कोई आर का एक प्रॉपर डिफाइंड ए, कट सेटअप होना चाहिए राइट right, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सी इक्वल टू सी वन फाइव सेवन इसका मतलब है कि ये हमारी पहली वैल्यू लेगा वन दूसरी वैल्यू लेगा पाँच और तीसरी वैल्यू लेगा सात और इन तीनों वैल्यूज़ के लिए एक एक करके अपने सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा ओके okay, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आपका होगा आपका देखिए लूप कैसे चलेगा ये सबसे पहले लेगा I equal to one. अब इसके बाद में आपने आपको क्या करना क्या है आपको जो भी आपने i की वैल्यू ली है उसको आपको स्क्वायर करना है तो आपने इसको स्क्वायर करने के लिए लिख दिया आई स्क्वायर आई हैड टू लेकिन हम इसको प्रिंट भी कराना चाहते हैं प्रिंट कमांड क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन आपको जैसे इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ में आ रहा है कि हम इसका जो भी आउटपुट है इसको हम स्क्रीन पर देखना चाहेंगे स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहेंगे ओके okay. तो मैंने यहां पे कमाल लिख दिया प्रिंट और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया आई स्क्वायर अब देखिए हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट देखिए आपका ऐसा आ जाएगा लेकिन ये आउटपुट कैसे आ रहा है ये आपको समझना बहुत ही आवश्यक है ओके okay. तो देखिए इक्वल टू हो गया वन और जब ये i इक्वल टू लेगा वन फिर ये कमांड को प्रिंट करेगा प्रिंट वन आउटकम दे देगा वन उसके बाद ये फिर i की जो वैल्यू लिखी थी यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये आपके ये पहला वाला i आपका हो गया अब ये जो भी i की अगली वैल्यू है उसके ऊपर आ जाएगा तो अगली वैल्यू यहां पे क्या है टू ओके okay, तो अब ये क्या होगा अब ये लेगा आई इक्वल टू टू और फिर यहाँ पे ये क्या कर देगा प्रिंट टू स्क्वायर ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा आपको आंसर मिल जाएगा चार जब आपका ये दूसरी वैल्यू भी हो गई फिर ये तीसरी वैल्यू पे आएगा और यहाँ पर लेगा आई इक्वल टू थ्री और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा प्रिंट थ्री स्क्वायर जो कि होगा नाइन तो आपकी तीसरी वैल्यू भी प्रिंट हो गई अब अब ये लेगा आपकी चौथी वैल्यू आई इक्वल टू फोर और ये प्रिंट करेगा फोर स्क्वायर अर्थात सोलह अब आपकी देखिए चौथी वैल्यू हो गई अब ये आपकी पाँचवीं वैल्यू लेगा आई इक्वल टू फाइव और ये प्रिंट करेगा फाइव स्क्वायर अर्थात पच्चीस और फिर ये आपकी पाँचवीं वैल्यू को, को पूरा करने के बाद में छठी वैल्यू को लेगा आई इक्वल टू सिक्स और ये यहाँ पर प्रिंट करेगा सिक्स स्क्वायर इसका मतलब है छत्तीस और ये छठी वैल्यू को भी पिन कर देगा अब इसके बाद क्या करेगा अब देखेगा कि यहाँ तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसके बाद ये प्रोग्राम अपने आप से ख़त्म हो जाएगा और जब आपने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था आपने लिखा फॉर i इन वन टू तो सिक्स तो उसने इसका मतलब ये है कि उसको i की छः वैल्यू के लिए इसी कमांड को एग्जीक्यूट करना है ओके ये देखिए इसका स्क्रीन है अब हम देखिए इसी कमांड को आपको हम आर में करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करेगा जैसे आपने कमांड किया इसका देखिए और कमी आ गया ऐसी अगर हम मान लीजिए यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पे हम कर सकते हैं i इक्वल टू यहां पे हम i की जगह पे हम प्रिंट कर सकते हैं i प्लस टू का होल स्क्वायर राइट देखिए यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा जो भी i की वैल्यू यहां से आएगी वन तो वन क्या हो गया आपकी वन प्लस टू थ्री और का स्क्वायर नौ देखिए आपकी नौ और ये वैल्यू आपकी तक आती रहेगी तो फिर अंत में क्या हो जाएगा छः प्लस दो आठ और आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर ओके और इसमें से आप अगर ये भी चाहें अगर कि आपको आई की सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करना है आपको आई uh, की सपोज एक तीन पांच खाली वैल्यूज पर ही प्रिंट करना है उसको भी हम कर सकते हैं उसके लिए मुझे खाली यहां पर एक कमांड लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू आई प्लस टू ओके इसको हम धीमे धीमे आगे, आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे ओके okay, अब हम देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने अभी किया है लेकिन हम यहां पर कुछ i की जो कलेक्टेड वैल्यूज है उसके लिए करते हैं यहां पर क्या हुआ कि आपने जो भी लिया था आपने वहां पर आई आपका क्या था आई था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन अब आप ये नहीं चाहते हो आप चाहते हो कि आपकी कुछ अपनी वैल्यूज हैं सपोज आई इक्वल टू थ्री फाइव सिक्स सेवन आप इन खाली वैल्यूज के लिए अपने कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो और आपका कमांड है क्या आपकी जो भी आई की वैल्यू आएगी आप उसको स्क्वायर करोगे जैसा कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था अब देखिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपने लिया हुआ है ये आईक्ल टू तीन पाँच छः सात अब जब आपने लिखा यहाँ पे फॉर और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिख दिया आई इन ये तो आपको लिखना ही लिखना है और यहाँ पे आपने जिन जिन वैल्यूज के ऊपर आपको अपने कमांड को एग्जीक्यूट करना है वो आपने लिख दिया तीन पाँच छ सात और उसके बाद में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी आपके कमांड्स थे वो आपने यहाँ पर लिख दिए ओके प्रिंट आई स्क्वायर अब देखिए ये कैसे काम करेगा सबसे पहले आई उठेगा और सबसे पहले जो आपकी पहली वैल्यू है तीन ये उसको लेगा और ये आपका तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा यहां पे आई इक्वल टू थ्री और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा ये यहां पे प्रिंट कर देगा थ्री स्क्वायर को अर्थात नौ और पहली वैल्यू को लेने के बाद ही फिर ये अगली वैल्यू पर आ जाएगा पांच पे आई इक्वल टू और यहां पे फिर ये फाइव स्क्वायर को प्रिंट कर देगा ये आपका हो जाएगा पच्चीस और दूसरी वैल्यू करने के बाद ये आपका छठी वैल्यू पे आ जाएगा आई इक्ल टू छः और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा छः स्क्वायर विच इज़ थर्टी सिक्स और उसके बाद ये छठी वैल्यू करने के बाद अब ये सातवीं वैल्यू को ले लेगा आई इक्ल टू सेवन और इसका आउटकम क्या आ जाएगा सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन अब आप देखिए यही वैल्यू तो आपको यहाँ पर मिली हुई है जो आपका आउटकम आया है राइट right. अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को आपको आर में करने के पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूँ मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में आई जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको मैंने आई से इंडिकेट किया है जैसे यहाँ पे ये यह आई कुछ भी हो सकता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड आप कोई भी जो हमारा एक हमारे आर के अंदर वैलिड नाम होते हैं किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो उसके अलावा आप अगर देखेंगे यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर मैंने खाली एक ही कमांड लिखा हुआ है लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन से हेयर सी थ्री फाइव सिक्स सेवन और यहाँ पर मैंने कई सारे यहाँ पे कमांड्स लिखे हुए हैं कमांड्स वन कमांड्स टू कमांड से सी वन सी टू सी थ्री और बहुत सारे सपोज सी ट्वेंटी मैंने बीस कमांड लिखे हुए हैं तो ये बीस कमांड्स हमारे ऊपर से नीचे हुए घटे हुए क्रम में एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद में हमको यहां पर इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है तो हम जब यहां पे कली ब्रैकेट को बंद करते हैं तो यहां इसका मतलब यह होता है कि जिस जगह से कली ब्रैकेट शुरू हुआ था उसके आगे से लूप को काम करना है और यह लूप हमारा जहां तक हमारा कली ब्रैकेट बंद नहीं होता है यह वहां तक काम करता रहेगा पहली बात तो यह है दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लूप के अंदर लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया आई फॉर आई इन वन टू सिक्स और मैंने यहां पे कमांड लिया और उसके बाद हम यहां पे इसके अंदर एक और लूप भी लगा सकते हैं फॉर जे इन से सी थ्री फाइव सिक्स और यहाँ पे हम इसका फिर से हम एक लूप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हम अपने कमांड लिखेंगे और यहाँ पे हम जहाँ पे हमारे कमांड बंद हो रहे हैं यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और उसके बाद में ये जो वाला ब्रैकेट जो मैंने पहला ब्रैकेट लगाया था उसको भी मैं यहाँ पे बंद करने की कोशिश करूँगा और ऐसा भी हो सकता है कि पहला ब्रैकेट बंद करने के बाद भी यहाँ पर आपके कुछ कमांड हों जो आपके आगे भी एग्जीक्यूट हों इस तरह के जो हमारे ऑपरेशन्स होते हैं उसमें से क्या होता है कि लूप हमारा ऊपर से चलेगा सबसे पहले यहाँ पर आई की वैल्यू लेगा और आई की वैल्यू के, के बाद उसको जो भी अगला लूप मिलेगा उसके अंदर i की जो पहली वैल्यू आई है उसको इस्तेमाल करते हुए वो j की एक एक करके सारी वैल्यूज़ लेगा और इस कमांड को सबको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद में इन इस वाले लूप का जो भी आउटकम आएगा उसको वो यहाँ पर जो कमांड्स दिए हुए हैं उसके ऊपर उनको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद ये जब नीचे आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे कली ब्रैकेट बंद हो रहा है तो अर्थात यहाँ पर हमको इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है तो कहने का मतलब ये है कि आपका आप एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जितने भी लूप इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक लूप के करस्पॉन्डिंग आपको कली ब्रैकेट को खोलने और बंद करने दोनों के आपको जो सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा अगर आपने तीन फॉर लूप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स होंगे और तीन आपके क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स होंगे राइट right. ओके okay. अब हम देखिए यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी बात का और इसको देखिए मैंने एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैंने कुछ यहाँ पे x की वैल्यूज़ ले ली हैं ये मैंने बाहर से मैंने दे दिए टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व और उसके बाद में मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अब आपको पता है कि फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं और फंक्शन का मैंने नाम दे दिया x काउंट ये मैंने एक्सरसाइज का या जो एग्जाम्पल का जो काउंट है तो इसमें से हम काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि जब हम फंक्शन को लिखेंगे तो सबसे पहले हमको पैरेंथेसिस में उसका जो इनपुट है वो कहना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया एक्स अर्थात कि जो हम वैल्यू बाहर से देंगे एक्स वो यहाँ पे इनपुट की तरह आएगा अब हमने यहाँ पे एक अपना सबसे पहले जो भी हम काउंटिंग करना चाहते हैं उसके लिए एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी वेरिएबल मैंने की जो वैल्यू को मैंने कर दिया ज़ीरो तो मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया काउंट और काउंट की मैंने इनिशियल वैल्यू ले दी ज़ीरो तो ये इसकी क्या हो गई इनिशियल वैल्यू ओके okay, अब हम यहां पे लूप लगाते हैं तो लूप लगाने के लिए हमने हमने एक अपना देखिए काउंटर यहां पे डिफाइन किया और काउंटर मैंने देखिए आपकी जान करके मैंने आई जे के नहीं किए मैंने एक वैल्यू ली एक्स वैल एक्स वैल का जो मैंने शाब्दिक अर्थ देने की कोशिश करी है वो है एक्स की वैल्यू ओके okay, तो अब हमने यहां पे देखिए लिखा फॉर लूप और यहां पे पैरथिसिस में मैंने लिख दिया एक्स वैल्यू इन एक्स अर्थात ये एक्स हमारा कहां से मिलेगा ये एक्स हमको यहाँ से मिलेगा और किसका मैंने यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि एक्स के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको ये एक एक करके चूज करता जाएगा और हमने आगे जो भी ऑपरेशन अपने करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको ये फॉलो करता जाएगा अब सवाल ये आता है कि हमने जो अपने इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं अब देखिए मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन देने के लिए इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है आपको याद होगा हमने इसके बारे में कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ़ कंडीशन के बारे में पढ़ा था और हम ये कह रहे हैं कि x वैल्यू को लो और उसको दो से डिवाइड कर दो और अगर ये वैल्यू हमारी तीन से ज्यादा आती है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर दो और उसके बाद में ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया तो देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है ये इस लूप को बंद कर रहा है और उसके बाद में इस पूरे पूरे प्रोसेस को रिपीट करने के बाद में जो भी फाइनल काउंट वेरिएबल की वैल्यू आती है आप उसको प्रिंट कर दो और प्रिंट करके आप इस फंक्शन को क्लोज कर दो तो देखिए ये वाला जो फंक्शन क्लोज हुआ है ये ये इस ब्रैकेट को क्लोज कर रहा है अब आप देखिए ये काम कैसे करेगा आपने यहां पर देखिए लिया हुआ है अब मैं नीले कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं सो so देट कि आपको समझ में आ जाए आपने यहां पे कहा काउंट इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले इसने लिख दिया काउंट इज इक्वल टू जीरो अब अगले स्टेप पर आपने इसको कहा कि फॉर एक्स वेल इन एक्स अब एक्स में इसकी पहली वैल्यू क्या है एक्स वेल well की वैल्यू पहली पहली वैल्यू क्या हो गई दो ये आपको एक्स के अंदर जो भी पहली वैल्यू दी हुई है दो जहां पे देखिए मैं गोला गोला कर रहा हूं ओके okay, ये यहां से पहली वैल्यू लेगा दो अब ये चेक करेगा कि जो एक्स की वैल्यू आई है एक्स वेल well, ये क्या है हमारी दो डिवाइडेड बाई दो ज दिस ग्रेटर दैन थ्री तो दो डिवाइडेड बाई दो हमारे कितना हो गया एक तो तो ये कंडीशन को चेक करेगा क्या एक तीन से ज्यादा है अब यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स तो ये तो नहीं है तो ये क्या करेगा ये कोई कमान को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जो इसने यहाँ पे काउंट लिया हुआ है ये काउंट को काउंट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर कुछ नहीं करेगा ये ओके क्योंकि यहाँ से इसका वैल्यू आ गई है फॉल्स ये काउंट की वैल्यू हमारी तभी कम होगी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी ओके okay, अब इसके बाद ये फिर से हमारी अगली वैल्यू लेगा एक्स के अंदर जो है वो क्या दी है चार तो ये फिर से चेक करेगा इफ फोर अपॉन टू इज ग्रेटर देन थ्री तो इसका आंसर क्या होगा आपके यहाँ दो डिवाइडेड बाई थ्री तो क्या दो तीन से बड़ा होता है आंसर आ जाएगा नो no. तो दिस इज अगेन फॉल्स ये प्रोग्राम आपका आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये फिर से आपको x की वैल्यू ले लेगा अब जो थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है सिक्स ओके अब ये चेक करेगा इफ सिक्स अपॉन टू इज ग्रेटर देन थ्री तो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई ओके अब ये लेगा अगली वैल्यू x इक्वल टू फोरस अगली वैल्यू ये लेगा x इक्वल टू जो आपकी फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है आठ अब ये चेक करेगा इफ एट अपॉन टू इज ग्रेटर देन थ्री आंसर आ गया ट्रू तो अब ये जब ये ट्रू करेगा तो अब ये क्या हो जाएगा काउंट इज इक्वल टू काउंट की आपने इनिशियल वैल्यू क्या ली हुई है देखिए जीरो ये वैल्यू को यहां पर ले आएगा और ये कर देगा जीरो प्लस वन अर्थात वन अब जो आपकी काउंट की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई एक उसके बाद ये क्या करेगा एक्स इक्वल टू लेगा टेन और फिर से कंडीशन चेक करेगा इफ टेन अपॉन टू इज ग्रेटर देन थ्री आंसर आ गया ट्रू तो अभी क्या करेगा ये काउंट को फिर से डिफाइन करेगा और काउंट हो जाएगा जो आपने पहली वैल्यू ली है वन वन प्लस वन इज इक्वल टू टू और उसी तरीके से फिर ये एक्स इक्वल टू जो भी ट्वेल्व पर वैल्यू है इसको भी ये चेक करेगा इफ ट्वेल्व अपॉन टू इज ग्रेटर देन थ्री और आंसर आ जाएगा ट्रू और फिर यहाँ पे ये काउंट को फिर से अपडेट कर देगा काउंट इज इक्वल टू टू प्लस वन इच इज इक्वल टू थ्री राइट ऐसे देखिए काम करेगा तो इसे देखिए हर एक नंबर को एक्स के अंदर जो दिए हुए हैं उनको उसने एक एक करके पिकअप किया और पिकअप करके ये उसके ऊपर उनको एग्जीक्यूट करता चला गया और यहाँ पे देखिए आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आपको ये आउटपुट ऐसा मिल जाएगा एक्स काउंट एक्स जब आपने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया तो देखिए आपको ये आंसर मिल गया तीन और ये तीन आंसर कहाँ से आया है जो आपने यहाँ पर निकाला है ओके okay, अब इसी एग्जाम्पल को जरा सा हम आर में हम करने की कोशिश करते हैं तो चलिए हम अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पे पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा आपके लिए आवश्यक है कि आप उसको एक बार अपने हाथ से टाइप जरूर करिएगा राइट right. को देखिए आपका एक्स क्या आ गया ये आ, आ गया आपका जो फंक्शन आपने टाइप किया है ये क्या आ गया ये देखिए वही है जो आपने किया है अब अगर आप अगर काउंट को आप अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए तो देखिए आंसर क्या आ गया तीन अब अगर हम चलिए एक्स को हम फिर से डिफाइन करते हैं अपनी तरीके से और अब कि हम इसको लेते हैं वन टू थ्री टेन ट्वेंटी थर्टी हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड राइट अब हम x को ये लेते हैं अब आपको देखिए यहाँ पे डिवाइड आपको यदि पता चल रहा है देखकर कि x की जो वैल्यू है 2 को हमको x की वैल्यू को हमको 2 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि तीन से बड़ी है और ये जो वेरिएबल हमारा है काउंट इज इक्वल टू तो काउंट प्लस 1 ये क्या काउंट कर रहा है कि इस डेटा वेक्टर्स में से किसी वैल्यू को अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो तीन से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी और इतनी जितनी भी वैल्यू तीन से बड़ी आ रही है उसकी काउंटिंग करेगा तो देखिए आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये छः वैल्यूज़ ऐसी हैं टेन ट्वेंटी थर्टी हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड जहाँ पर आपको अगर आप इसको दो से डिवाइड करेंगे तो ये तीन से बड़ी जाएंगे अब हम देखिए इसी एग्जाम्पल को फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपको आंसर आ गया छः तो देखा आपने यहाँ पे आपने बहुत सारी देखिए ये वैल्यूज़ ली और आपका बिना कुछ करे हुए यही प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स आपके बार बार रिपीट होते चले गए अब देखिए अगर हम ऐसा भी करें अगर हम एक्स की वैल्यू को ले लें मान लीजिए बहुत बड़ी वैल्यू एक से एक हज़ार तक की राइट right. तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक से एक हज़ार तक की देखिए लास्ट वैल्यू आ गई है अब इसके अंदर भी अगर हम मान लीजिए कि अगर हम अपना इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं को देखिए क्या आंसर आ गया 994 अब इसमें से क्या हुआ इसने इसी प्रोग्राम को जो आपका एक्स काउंट वाला जो आपका ये प्रोग्राम है इसको उसने एक हजार बार रिपीट किया है ओके तो देखिए ये हमारा लूप का काम होता है और ये हमारा लूप का एडवांटेज होता है इस लूप के लिए इस्तेमाल करना तो बहुत आसान काम है लेकिन जो हमारा यहाँ पे तात्पर है आपको समझाने का वो ये है कि लूप के अंदर फंक्शनिंग कैसे हो रही है और आर उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है ये आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है और यहाँ पे आप देखिए ये उसी प्रोग्राम का तो आ, आपका स्क्रीन है जो आपने अभी किया है अब हम फॉर लूप के बाद में आते हैं लूप पे अब आपको देखिए लूप का जो इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया अब बस खाली इतनी सी बात बची है कि हम किन किन कंडीशन में किन किन लूप्स का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे फॉर लूप में आपने देखा लूप लगाने के पहले आपको ये मालूम था कि हमारा लूप कितनी बार काम करेगा छः बार करेगा पाँच बार करेगा कि एक हजार बार करेगा लेकिन बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि हमको ये नहीं मालूम होता है कि हमारा लूप कब तक काम करेगा ओके जैसे कि अगर हम कहें कि अगर मुझको कॉलेज में ये नहीं पता है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मुझको मार्कशीट तैयार करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जो भी मुझको कॉलेज उन स्टूडेंट्स के मार्क्स सप्लाई करेगा हम कह देंगे कि जब तक कि सारे स्टूडेंट्स ना ख़त्म हो जाएं तब तक आप उस लूप को रिपीट करते रहिए अब वो स्टूडेंट हमारे अगर पाँच स्टूडेंट हैं तो हमारा लूप पाँच स्टूडेंट के बाद में ख़त्म हो जाएगा और अगर हमारे स्टूडेंट पाँच हजार हैं तो वो लूप हमारा पाँच हजार तक चलता रहेगा और पाँच हजार के बाद ख़त्म होगा तो ये हम ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि हमको अपने प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट करना है और और हम अपने प्रोग्राम को कितनी बार करना चाहते हैं वहाँ पर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं वाइल का देखिए आपको जो शाब्दिक अर्थ पता है वाइल माने जब तक तो वाइल लूप का इस्तेमाल हम वहाँ पर करेंगे जब हमको अपने नंबर ऑफ लूप पहले से नहीं पता है कि हमको कितनी बार प्रोग्राम को रिपीट करना है और ये हमारे जो, जो इटरेटिव एल्गोरिथम्स होते हैं वहाँ पर ये बहुत इस्तेमाल होता है जैसे कि अगर हम कहें कि मुझको अपना एक लाइवलीड फंक्शन जो हमारा एक प्रॉबिबिलिटी फंक्शन होता है हमारी स्टैटिस्टिक्स में उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है कि हम उसको न्यूमेरिकली मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उसके लिए हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे और एल्गोरिथम में हमको यही करना पड़ेगा कि हमको उसको कब तक मैक्सिमाइज करना है कब तक हमको इस लूप को चलाना है तो हम ये कह सकते हैं कि उस लूप को आप तब तक चलाते रहिए जब तक कि दो कॉन्जिक वैल्यूज जो भी हमारी आउटपुट में आ रही है उनका जो अंतर है सपोज से पॉइंट वन से कम हो जाए राइट right. तो ऐसी कंडीशन में हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और इसका हमारा सिंटैक्स होता है वाइल डब्ल्यू एच आई एल ई और पैरेंथिस में हम इसके जो भी स्ट्रक्चर है कमांड है हम उसको लिखते हैं तो अब ये वाई लूप कैसे काम करेगा लूप में जो भी हमारा है हमारा जो भी सिंटैक्स है हम उसके थ्रू तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये देखेगा कि जो भी हमारी कंडीशन दी हुई है कि हमको लूप को यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है ये उस कंडीशन को चेक करेगा अब जब कंडीशन को चेक करेगा दो पॉसिबिलिटी है कि कंडीशन हमारी सही होगी या गलत होगी तो कंडीशन का अगर हमारा आंसर आता है नो no, तो ये क्या क्या, क्या करेगा ये इस लूप को वहीं पे खत्म कर देगा और यह प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा और अगर हमारा आंसर आता है यस मतलब कि जो भी मैंने कंडीशन दी है वो हमारी उस डेटा के ऊपर सही हो रही है राइट अगर ये कंडीशन हमारी आती सही देन हमारा ये उस दिए हुए डेटा के ऊपर अपनी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा ये कंडीशन का क्या मतलब है जैसे अभी आपने देखा पिछले उदाहरण में कि मैंने एक्स वेल अपॉन टू को हमने कहा ग्रेटर देन थ्री तो इसका मतलब यह है कि जब तक हमारी एक्स वेल अपॉन टू हमारा तीन से ज़्यादा रहेगा तब तक की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहो और ऐसी कंडीशन में हम फिर फॉर की जगह वायर लूप का इस्तेमाल करेंगे ओके चलिए अब इसका हम पहले देखते हैं कि इस क्या होता है और फिर हम कुछ उसके उदाहरण लेंगे तो लूप को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है कुछ ऐसा होता है सबसे पहले मुझे लिखना है वायल डब्ल्यू एच आई एल ई -e, और उसके बाद पैरेंथिस में हमको अपनी कंडीशन लिखनी है ओके और उसके बाद में हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने वो सारे कमांड्स लिखते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और एग्जीक्यूट कब तक करना चाहते हैं जब तक कि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है जब तक कि जो कंडीशन मैंने में पहले दी है जब तक कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी हमारे कमांड्स एक के बाद एक रिपीट होते रहेंगे ओके okay. और अगर मान लीजिए कि आपने लूप को को आपने आरंभ किया और पहली बार में आपकी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर तो उसमें आगे का कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा राइट right. चलिए अब हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको इसको देखिए करके दिखाते हैं मैं आपको फिर से कहूंगा मैंने पे छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं और मैंने एक ही एग्जाम्पल को मैंने हर एक लूप में करने की कोशिश करी है जिससे कि आप डिफरेंट तरीके के लूप्स को हम कैसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं और उसका हमारा क्या क्या आउटकम आता है उसको आप एक साथ कंपेयर भी कर सकें ओके okay, अब आप एक एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं फिर हम आपको उसको बताएंगे तो सबसे पहले मैंने अपना एक काउंटर वेरिएबल डिफाइन किया काउंटर वेरिएबल है या हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल है आप उसको जो भी कह दीजिए राइट ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल है आप कुछ भी कह सकते हो ये वो वेरिएबल है जिसके थ्रू तो हम अपने लूप को कंट्रोल करना चाहेंगे हम लूप को ये बताना चाहेंगे कि हमारा लूप कब से कब तक कहाँ पर काम करेगा तो सबसे पहले मैंने ले लिया आई कोल टू वन और फिर मैंने अपना देखी कमान लिखा वाइल ओके okay? और वायल लिख कर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया i इज लेस देन टेन अर्थात हमने गली ब्रैकेट के अंदर जो भी कमांड दिए हुए हैं उसको वहां तक एग्जीक्यूट करो जब तक कि हमारी आई की वैल्यू 10 से कम तक रहती है अब देखिए यहाँ पे हम आपको फॉर लूप की तरीके से आई इक्वल टू तो वन टू तो सिक्स या वन टू तो वन थाउजेंड की बात नहीं कर रहे हैं मैंने सिर्फ एक यहाँ पे एक ये लॉजिकल कंडीशन दी है और ये कंडीशन क्या होगी या तो हमारी सही होगी या हमारी गलत होगी ट्रू या फॉल्स ओके तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमने जो भी कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है वो हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही ये हमारी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी ये प्रोग्राम हम अपने आप से समाप्त हो जाएगा अब देखिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैंने देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिया ऊपर और नीचे और जिसके बीच में मैंने अपने कमांड्स को लिखने की कोशिश करी है तो मेरा कमांड क्या है मैं चाहता हूँ प्रिंट आई स्क्वायर मतलब कि जो भी यहाँ पर आई की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके प्रिंट कर दे और अगले स्टेप में आई को वो रिप्लेस कर दे बाई आई प्लस टू अर्थात जो भी हमारी आई की पहले वाले स्टेप में वैल्यू इस्तेमाल हुई है उसमें से दो ऐड कर दे और फिर उस जो भी नई अपडेटेड वैल्यू है उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करे ओके okay, अब इसका देखिए आउटपुट कैसे आएगा आपने सबसे पहले लिया हुआ है आई कोई टू वन तो अब ये कंडीशन मेरे पास आती है वाइल आई इज लेस देन टेन तो i इक्वल टू है वन यस एक तो दस से छोटा है तो ये क्या करेगा ये प्रिंट कर देगा वन स्क्वायर बिकॉज i की वैल्यू क्या है वन ओके okay, हम यहां पे इसको लिख देते हैं i इक्वल टू वन और उसके बाद फिर ये क्या करेगा इसके बाद ये कर देगा i इक्वल टू आई प्लस टू तो i देखिए दे मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम लिखते हैं आई इक्वल टू आई प्लस टू इसका मतलब क्या है ये हमारा जो इक्वल्टी साइन है ये हमारा रिप्लेसमेंट करता है अर्थात ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर है और आप यहां पर ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा कि आई इक्वल टू आई प्लस टू लिखा और आपने कर दिया आई माइनस आई इज इक्वल टू टू और आपने प्रूफ कर दिया कि टू इक्वल टू जीरो दिस इज ये बिल्कुल गलत है आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या कहने के लिए आदेश दे रहे हैं आपने आदेश दिया है कि आई की जो वैल्यू आई है जो आपने पहले इस्तेमाल करिए पहले कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करिए वन इसके अंदर आप दो ऐड कर दीजिए तो आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी तीन अब जो अगले स्टेप के लिए हमारी इक्वल टू आ गई तीन अब ये फिर से चेक करेगा वायल आई इज लेस देन टेन तो क्या आपका आई आपका यहां पे हो गया तीन क्या आपका तीन दस से छोटा है आंसर आ गया ट्रू अब जब ट्रू आ गया तो ये कर देगा प्रिंट थ्री स्क्वायर अर्थात नौ और उसके बाद ये जो है आई को फिर से रिप्लेस कर देगा आई प्लस टू से अब आई की वैल्यू आपकी क्या थी तीन तो आपने कर दिया तीन प्लस दो ये बराबर हो गया पांच के अब ये क्या करेगा इक्वल टू ले लेगा और फिर से इसी कंडीशन को चेक करेगा वायल आई इज लेस देन टेन तो पांच आपका क्या दस से छोटा होता है आंसर आ गया ट्रू ट्रू करके इसने आपको फिर से प्रिंट कर दिया फाइव इसने आई की वैल्यू को फिर से असाइन किया आई प्लस टू तो आई की आई की आए की आपकी करंट वैल्यू क्या थी पांच प्लस दो इज इक्वल टू सात अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई सात तो आपने कर दिया वायल आई इज लेस देन टेन कंडीशन को चेक करिए तो यह कंडीशन आपकी क्या आ गई ट्रू जब यह कंडीशन आपकी ट्रू आ गई तो इसने फिर से यहाँ पर प्रिंट सेवन स्क्वायर कर दिया और सेवन स्क्वायर करने के बाद में इसने फिर से आई की वैल्यू को रिप्लेस किया आई इज इक्वल टू सेवन प्लस टू अर्थात नाइन अब इसने यहाँ पर क्या किया आई कोल कर दिया नाइन और इसने फिर से कंडीशन चेक करी क्या आई कैन से कम है आंसर आ गया ट्रू और इसने कर दिया प्रिंट नाइन स्क्वायर और फिर उसने इसको चेंज कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस टू आई की अभी क्या वैल्यू आई है नौ प्लस दो इज इक्वल टू ग्यारह अब यहां पे आई की वैल्यू क्या हो गई ग्यारह अब ये कंडीशन को चेक करेगा वायल आई इक्वल टू इलेवन इज लेस देन टेन ये तो हो गई फॉल्स और जैसे ये फॉल्स कहेंगे आप इसको ये प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और आपको जो भी आपका आउटकम है वो आपको मिल जाएगा और आप इस जब प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए जो वैल्यूज़ आपने यहाँ निकाली हैं तीन पाँच सात नौ ग्यारह ये वाली आई की वैल्यू यूज़ होंगी और जो आपका आउटपुट क्या आएगा प्रिंट आ जाएगा वन स्क्वायर अर्थात वन थ्री स्क्वायर नाइन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन एंड नाइन स्क्वायर एट्टी वन और आप ध्यान दिए यही आउटपुट तो आपको यहाँ पे मिला है राइट right. तो ये इसका प्रोसेस समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है और मैंने इसीलिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है राइट right. अब अब हम देखिए इसी प्रोग्राम को यहाँ पे आपके सामने टाइप करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया i इक्वल टू वन और फिर मैंने अपना वाइल लूप लिखा और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट लगा करके मैंने कर दिया प्रिंट आई स्क्वायर ओके और आपको अगली लाइन पे आपने टाइप कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस टू ओके और इसके बाद आपने इसको देखिए अपने इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया ओके okay. अब आप देखिए इसको जब आप रन करेंगे तो आपका यही आउटपुट तो आ गया और अब आप, आप देख लीजिए यहाँ पे आपका एक प्रॉम साइन था ग्रेटर देन और एक प्रॉम साइन आपका प्लस के साथ आ रहा है मैंने आपको बताया था कि प्लस का क्या मतलब होता है कि ये प्रोग्राम आपका आगे कंटिन्यू कर रहा है और जैसे ही देखिए आपने यहाँ पे प्रोग्राम को, को ख़त्म किया आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया और को पता चल गया कि अब ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट आपस में मैच कर गए और जैसे ही आपने यहाँ पर इंटर किया था प्रोग्राम अपने आप से उस प्रोग्राम के बाहर आ गया कंट्रोल और उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया ओके okay, चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं ओके okay. इस उदाहरण को देखिए मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि अगर हम सपोज uh, कि 25 के नीचे की कोई संख्या लेते हैं और उस संख्या में से हम उसके कुछ जो नंबरों को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे राइट right. तो चलिए पहले इस फंक्शन को लिखते हैं और फिर मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। तो एक मैंने फंक्शन का नाम लिखा सम फंक्शन मतलब कि फंक्शन किसी चीज़ को सम करने के लिए हमारा फंक्शन है और यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शन ओके और यहाँ पर मैंने कोई इनपुट नहीं दिया अभी मैंने आपके वो, जो आपके उदाहरण को बहुत ही आसान करने के लिए किया हुआ है कि हम का हमारा यहाँ पे कोई इनपुट नहीं होना चाहिए आप इनपुट को मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा कि अपने प्रोग्राम के बीच में आप अगर किसी इनपुट को अपने कंट्रोल से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दिया है अब हम प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं तो ये हमारा ब्रैकेट हो गया ये हमारा कहे का हो गया ये फंक्शन का स्टार्ट हो गया ये जो ब्रैकेट लगाया ये आपने आर को बताया कि यहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है आपने एक इनिशियल वेरिएबल लिया सम और उसकी वैल्यू आपने कर दी शून्य ज़ीरो और उसके बाद आपने देखिए एक नंबर डिफाइन किया और ये नंबर कैसे डिफाइन किया आपको उसको एक इंटीजर फॉर्म में चाहिए कि अगर कोई आपको किसी और फॉर्मेट में देगा तो उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए और किसी भी नंबर को कन्वर्ट को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है एज़ इंटीजर एज़ डॉट आई एन टी ई जी ई आर एज इंटीजर और आपने देखिए पहले भी आपने बहुत बार किया है एज इंटीजियर एज मैट्रिक्स एसेट्रा ओके अब हम यहाँ पे एक ये मैसेज देना चाहते हैं अपने यूजर को कि यहाँ पर कृपया 25 के नीचे की संख्या चुने ओके okay. तो इस तरह का मैसेज देने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है रीड लाइन और यहाँ पे हम इसके बाद में यहाँ पे हम इसके अंदर और यहाँ पर इसके उसके, उसके आगे लिखते हैं प्रॉम्प्ट मतलब कि प्रॉम्प्ट पर ये हमारा सेंटेंस दिखाई देना चाहिए और जो भी हम यहाँ पर वैल्यू देंगे इसको हम इस पूरे पूरे सेंटेंस को देखिए मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये जो मैंने अपना सेंटेंस दिया है इसको देखिए मैंने डबल कोर्ट्स में बंद कर दिया है डबल कोर्ट का मतलब होता है कि हमारा जो करेक्टर है वो हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ओके okay. और फिर हमने देखिए ये वाला हमारा प्रॉम का ब्रैकेट बंद हो गया और ये वाला ब्रैकेट हमारा रीड लाइन का ब्रैकेट बंद हो गया ओके एज इंटीजर वाला ओके okay. और अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना लूप लगाते हैं वायल जो भी नंबर है ये नंबर हमारा कहाँ से आएगा ये देखिए यहाँ से आएगा जो आपने ऊपर एंट्री की है ओके okay, ये नंबर हमारा लेस देन और इक्वल टू पच्चीस होना चाहिए ये मैंने कंडीशन अंदर डाल दिए और इसीलिए मैंने यहां पे ऊपर अपने सेंटेंस पे लिखा हुआ है कि आप हमको 25 के नीचे की कोई संख्या को चुने ओके okay, हम आपको करके दिखाएंगे कोई अगर 25 के ऊपर की करेगा तो उसमें से क्या होगा और उसके बाद मैंने एक यहां पे कमांड दे दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर और सम की इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो देखिए आपने यहां पर लिखी हुई है ओके okay, अब तो यहाँ पे हमारा जो भी हमारा सम की पहली वैल्यू आएगी सम जिकल टू ज़ीरो प्लस नंबर और उसके बाद जो भी हमारा नंबर आया है वो हमारा एक बढ़ जाएगा मतलब कि अगर हमारा कोई नंबर आया है बीस तो अगली बार में ट्वेंटी वन हो जाएगा और उसके बाद में मैंने इसका आउटकम भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है और आउटकम मैंने आपकी देखी एक सेंटेंस के फॉर्म में दिखाया है और उसके लिए मैंने एक कमान यूज किया है पेस्ट ये पेस्ट कमान के बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन पेस्ट कमान का हमारा इस्तेमाल होता है कि हम किसी सेंटेंस को अगर, अगर अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कमान से दिखाते हैं तो मैं क्या यहाँ पर अपना मैसेज दिखाना चाहता हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ वाई लूप के द्वारा प्राप्त नंबर्स का कुल योग कितना है और जो भी हमारे यहाँ पे सम की वैल्यू आ रही है सम की वैल्यू कहाँ से आएगी यहाँ से आएगी ये यह हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाए ओके okay, और ये लूप हमारा कब तक चलता रहेगा आप यहाँ पे ध्यान दें जब तक कि हमारा नंबर 25 से कम रहेगा अगर किसी ने नंबर दिया है बीस तो ये हमारा बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तक रन करेगा और पच्चीस के बाद में, में अपने आप से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा तो देखिए हम इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको देखिए ऐसा आउटकम मिलेगा आपको मैं भी आर पे करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले आप उसको जैसे ही करोगे सम फंक्शन और पैरेंथेसिस टाइप करके आप उसको एंटर करोगे तो आपसे ये पहला नंबर पूछेगा कृपया 25 के नीचे की संख्या चुने उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया बाईस ट्वेंटी और जैसे ही उसके बाद हम एंटर करेंगे हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा वाई लूप के द्वारा प्राप्त नंबर का कुल योग कितना है 94 फोर ये 94 फोर कैसे आ रहा है आपने यहाँ पे नंबर पहला नंबर लिया आपने बाईस और फिर आपने देख लीजिए आपने यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा हुआ ये सम प्लस सम प्लस नंबर और नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस वन तो अब आपने सम की क्या वैल्यू ली हुई है शुरू में ज़ीरो तो अब आपका आपका नया सम क्या हो जाएगा सम प्लस नंबर और नंबर आपने क्या लिया हुआ है बाइस तो आपका जो पहली वैल्यू क्या जाएगी सम इज इजीरो और नंबर क्या हो गया आपका बाइस तो ये आपका कितना हो गया बाइस ओके okay. अब इसके बाद में ये फिर से चेक करेगा आपका कंडीशन की क्या नंबर आपका पच्चीस से कम है आंसर आएगा ट्रू तो ये फिर से करेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर अब आपने यहां पे देखिए आपका नंबर भी क्या हो गया नंबर आपने जो जो था 22 या आपका 22 प्लस वन हो गया 23 तो अब ये आपका जो नया सम क्या आ जाएगा 22 प्लस ट्वेंटी ओके ये आपका कितना हो गया 45। 45. अब इसके बाद ये नंबर को करेगा नंबर इज इक्वल टू पहले आपका नंबर क्या था 22 प्लस एक तेईस अभी कितना हो जाएगा 23 प्लस एक चौबीस अब ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा क्या ये जो नंबर है ये आपका 25 से कम है आंसर आएगा ट्रू तो अब ये फिर से कर देगा सम इज इक्वल टू जो आपने पहले नंबर लिया है 45 प्लस और ये जो तेईस प्लस एक आया चौबीस राइट right. अब आ, अब ये फिर से यहां एक करेगा नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन इज इक्वल टू पच्चीस तो अब ये फिर से चेक करेगा कि वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये नंबर आपका यहां पे इक्वलिटी साइन है ओके okay, तो आंसर आ जाएगा ट्रू फिर से आपका क्या आपका सम हो जाएगा सम आपका हो जाएगा जो आपने पहले निकाला है 45 प्लस चौबीस प्लस पच्चीस और आपका नंबर क्या हो जाएगा नंबर आपका हो, हो जाएगा 25 प्लस एक छब्बीस अब छब्बीस दे, देखिए जैसे ही इसने चेक किया वाइल दिस नंबर इज लेस देन और ट्वेंटी फाइव कंडीशन आ गई फॉल्स और ये प्रोग्राम अपने आप से समाप्त हो जाएगा और इसीलिए आप इसका जब आप योग करेंगे 45 प्लस 24 प्लस 25, 25 ये ये, ये देखिए आपका 22 प्लस तीस प्लस चौबीस प्लस पच्चीस इसका योग आपका 94 आ जाता है और यही 94 आपका देखिए यहाँ पर आंसर आया है ओके अब मैं आपको इसी प्रोग्राम को आर कंसोल में करके दिखाता हूँ ओके हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर पूरा पूरा एक साथ कॉपी कर लेते हैं तो हमारा समय बच जाएगा और लेकिन आप इसको एक बार अपने हाथ से जरूर आर कंसोल पर टाइप करिएगा राइट right. अब आप देखिए हम इसको यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं सम फंक्शन और हम इसको यहां पे एंटर करते हैं अभी देखिए मुझसे पूछ रहा है कृपया 25 के नीचे की संख्या को चुनें मैंने यहां पे कर दिया 22 तो देखिए हमारा उत्तर आ गया व्हाइल लूप के द्वारा प्राप्त नंबर नंबर्स का कुल योग 94 है ओके okay. उसी तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से करते हैं और हम और अब हम यहाँ पे लेते हैं नंबर लेते हैं दस पच्चीस से कम है तो देखिए आपको दस प्लस ग्यारह प्लस बारह अपू ट्वेंटी फाइव तक आपको ये सम करके दे देगा अब हम एक काम करते हैं अब हम तरह सा इसी फंक्शन को करते हैं और हम एक संख्या लेते हैं पच्चीस के ऊपर की मैंने ले ली चूज कर ली तीस तो देखिए क्या हो जाएगा ये कह रहा है वाई लूप के द्वारा प्राप्त नंबर का कुल योग शून्य है क्यों क्योंकि आपने इसको सम इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज किया हुआ है इसलिए ये आपको यहां पर उसका सम नहीं कर पा रहा है राइट right. देखिए आपने दिया हुआ ना यहां पे सम इक्वल टू जीरो यहां पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए ये आगे नहीं जा पाया क्योंकि आपने यहां पे दिया हुआ है कि आपका नंबर ये पच्चीस से कम होना चाहिए अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं राइट right. तो देखिए यह आपका स्क्रीन है ओके okay, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं हमने इस लेक्चर में दो लूप्स को देखा है फॉर लूप और वाइल लूप अभी हमारा एक लूप और है जो है रिपीट लूप इस रिपीट लूप को हम अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अब आपका क्या काम है जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर और लूप फॉर uh, लूप और वायल्ड लूप हमारे दो अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं फॉर लूप जहाँ पर आपको ये मालूम है कि आपका प्रोग्राम कितनी बार रिपीट किया जाएगा और वायल्ड लूप जहाँ पर आपको नहीं पता है कि आपका प्रोग्राम कितनी बार रिपीट होगा जैसे आपने कहा कि वाइल्ड सम इज़ लेस देन ट्वेंटी फाइव या नंबर इज़ लेस देन ट्वेंटी फाइव ओके तो जब तक हमारा पच्चीस तक नंबर नहीं पहुंचेगा तब तक मेरा प्रोग्राम रन करता रहेगा और जैसे ही पच्चीस को क्रॉस करेगा हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम अपने आप से रुक जाएगा तो आप इस तरह के छोटे छोटे और आप उदाहरण लेने की कोशिश करिए प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आऊँगा तब तक के लिए गुड बाय